अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्टल रेशो के बारे में कि मॉर्टल रेशो हम क्या रखेंगे मुख्तलिफ कामों के लिए फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स। यहाँ पे हमारे साथ नेचर ऑफ वर्क आएगा, इस तरफ हमारे साथ सीमेंट मॉर्टल रेशो आएगा। तो नंबर वन हमारे साथ है डैम प्रूफ कोर्स, जिसको हम DPC भी बोलते हैं। उसके लिए हम क्या रेशो रखेंगे, 1:1 हमारे साथ सीमेंट है, 2:2 हमारे साथ सैंड का है। फर्स्ट नंबर हमें सीमेंट बताएगा, दूसरा नंबर हमें किसका सैंड का रेशो बताएगा। प्लास्टर वर्क के लिए कितना है, 1:3 भी रख सकते हैं, 1:4 भी रख सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि काम किस तरह है। नॉर्मल ब्रेक वर्क के लिए जो मॉडल होगा वो 1:3, 1:4 भी रख सकते हैं। रिनफोर्स ब्रेक वर्क के लिए, रिनफोर्स ब्रेक वर्क मतलब अगर उसमें कोई स्टील वगैरह यूज होता हो तो उसके लिए 1:3 रखेंगे। लीनिंग ऑफ केनाल्स, केनाल्स के लीनिंग के लिए हम क्या रेशो रखेंगे, 1:2, 1:2 या 1:3 भी रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इन वाटर लॉक्ड एरियाज, वाटर लॉक्ड एरियाज में क्या रेशो रख सकते हैं, 1:3, 1 सीमेंट होगा, 3 उसमें सैंड होगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वर्क हैं, नेचर हर वर्क का डिफरेंट है, उसी हिसाब से ये सीमेंट मॉर्टल रेशो हम रखते हैं। शुक्रिया।